नमस्ते, यहाँ आपके पार्सल है, आप इसे ले सकते हैं। ओह धन्यवाद। चलो अब देखते हैं कि उन्होंने मेरे बॉक्स में क्या रखा है। ओह गुलाबी पोछा, बढ़िया है। यह निश्चित रूप से मुझे अपने फेवरेट घर से जालों को ग्लैमरस तरीके से हटाने में मदद करेंगे। ओह कितना विशाल मकड़ा है, डर के मारे कहीं मेरे सारे बाल ही सफेद ना हो जाए। ओह नहीं, ये कितना विशाल मकड़ा है। वाह, मेरा वैक्यूम क्लीनर सारे मकड़ों को अपने अंदर खींच लेगा। और मेरे लिए क्या है? या रबर के दस्ताने। अब मैं अपने सपनों के घर से कचरा साफ कर दूंगी। सबसे पहले जाले, बढ़िया। वाव किम, हाँ मुझे पता है कि मैं वाव हूँ। यह गुलाबी कालीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे घर के अस्तर के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए मैं एक स्टेपलर पकड़ती हूँ और इस खूबसूरत नरम गुलाबी कालीन के साथ घर को ढकना शुरू करती हूँ। मुझे यह रंग बहुत पसंद है, खिड़कियों के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और यह दिल घर की छत पर अद्भुत लगेगा। सभी को पता चलना चाहिए कि सुंदर किम यहाँ रहती है। और अब मुझे बालों को थोड़ा ट्रिम करने की जरूरत है, लेकिन मेरे नहीं घर के, इसके लिए उसकी देखभाल की जरूरत है जो मैं हमेशा सुंदर रहने के लिए अपनी करती हूँ। और मेरा मुलायम घर तैयार है। ओह लगता वो घर सजा रही है, मैं भी करूँगा। और मुझे इसके लिए नीली प्रिंगस की जरूरत होगी। आखिर मैं बचपन से ही इन चिप्स को खाता आया हूँ और साथ ही इन डब्बों को जमा करता आया हूँ। मुझे इस समय के लिए उनकी जरूरत थी। और यहाँ मेरे फेवरेट नीले गमी रहेंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, ओरियो, मुझे ये कुकीज बहुत पसंद है। चलो इसे छत पर चिपका दे। वाह ये यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और एक झंडा तैयार। आउच मिया, तुम वहाँ क्या कर रही हो? ओह मैं बलून फुला रही हूँ। ये पीले बलून मेरे घर को सजाने के लिए एकदम सही है। मुझे सभी बलून्स को फुलाना होगा ताकि एक घर के लिए काफी हो। और यह आखिरी वाला। ओह मैं थक गई हूँ। ओह मुझे आंखों के सामने तारे नजर आ रहे हैं। ओह मिया तुम कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ। अब मैं अपने घर को सजाऊंगी, तो चलो नीचे से शुरू करें और ऊपर जाएं। ये पीले बलून मुझे लंबे सॉसेज की याद दिलाता है। हाँ ये बहुत फनी लगेगा। लग रहा है मेरा घर हवादार और रंगीन होगा और मेरा काम हो गया। वाव केले बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे और चाहिए। चलो एक गड्ढा खोद लिया और अंदर एक केला डाल दिया, बढ़िया। अब इसमें पानी डालेंगे और फिर थोड़ा इंतजार करेंगे। वाव मैंने कितना सुंदर पेड़ उगाया है। और यहाँ मेरे फेवरेट केले हैं। और यहाँ मुझे पक्का से अपने सन बेड की जरूरत होगी, जिस पर मैं आराम कर सकती हूँ। मैं अपने सिर को ढक लेती हूँ ताकि धूप ना लगे। ओह केले, मुझे लगता है अगर मैं एक दो खा लूँ तो पड़ोसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं इधर मत आना। अच्छा ठीक है, तो मुझे कुछ जल्दी से सोचना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओह हाँ मेरे पास एक कार है, लेकिन मैं इसे कहाँ रोल कर सकता हूँ? अब मैं एक विशाल रेसिंग स्लाइड बनाने जा रहा हूँ। इसे यहाँ लगाया और इधर भी। वाव कितना अच्छा, यहाँ कार को और यह फोर। वाव कितनी तेजी से आ रहा है, कितना अच्छा। आह ये लड़के भी ना बस। खैर मेरे पास यहाँ कुछ और दिलचस्प चीजें हैं। यहाँ कुछ उपकरण और मेरे झूले के हिस्सों का एक छोटा सा सेट है, मुझे बस इकट्ठा करना है और मैं इसे कुछ ही समय में कर लूंगी। बस इस तरह से। वाव मेरा गुलाबी झूला तैयार हो गया और मैं अपने यूनिकॉर्न के साथ यहाँ खेल सकती हूँ। बहुत बढ़िया। और यहाँ मेरा मेल बॉक्स एकदम सही रहेगा। वाव मुझे भी एक मेल बॉक्स चाहिए। अक्सर मेरे फैंस मुझे लेटर भेजते हैं। मैं फूल को पेंट में डुबो कर मेल बॉक्स पर फूल प्रिंट कर दूंगी। कितना सुंदर है। वाव कूल, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे भी मेल बॉक्स चाहिए। हिप्पो बॉब से मिलो, यह मेरे मेल की रक्षा करेगा। हेलो सभी को, हेलो, मैं पोस्टमैन सैम हूँ और मैं तुम्हारी चिट्ठियाँ लाया हूँ। वाव तुम्हारा मेल बॉक्स कितना अच्छा है मिस, यहाँ तुम्हारा लेटर है। ओह गुड आफ्टरनून मिस्टर डैन, मैं तुम्हारे लिए भी लेटर लेकर आया हूँ। दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए कोई और मेल नहीं लाऊंगा, अपना मेल बॉक्स बदलो। और यहाँ कौन रहता है? वाव क्या खूबसूरती है। मैं ओ, 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 माफ करना,
मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। यह अजीब था। यहाँ आपका लेटर है, मेरी मिस यूनिवर्स। धन्यवाद, मुझे जाना है, जल्दी मिलते हैं। इस कार से मैं अब बोर हो गया हूँ। हाँ, मैंने अभी तक घर के अंदर कुछ नहीं किया है। मुझे जल्द ही अपने सपनों का घर बनाना है। ओह, यह यहाँ कितना खाली है। मुझे यहाँ कुछ अच्छा चाहिए। मैं दीवारों से शुरू करूँगा। दीवारों पर नीला रंग एकदम सही लगेगा। अब मैं सब कुछ पेंट करूँगा। ओह, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। अब आगे क्या करूँ? ओह हाँ, बिल्कुल कालीन। ये सॉफ्ट पजल्स एक असली लड़के के कमरे में शानदार दिखेंगे, पर कुछ कमी है। यहाँ मेरे खिलौनों के साथ एक दीवार होगी और वे यह रहे। वाह, अब मैं यहाँ सब कुछ लटका देता हूँ ताकि सभी जान जाए कि मैं कूल हूँ और मैं केवल कुछ खिलौनों के साथ खेलता हूँ। यो, और ब्लू मैन हर चीज की रक्षा करने के लिए। और दीवारों पर मेरे कुछ पेंटिंग्स और क्रिस्टल्स, कभी भी खराब नहीं लगेगा। ओह, और मुझे इस टेबल की भी जरूरत होगी। वाओ, और इस पर रखने के लिए मेरे पास कुछ है। या मेरे हैमस्टर के लिए घर। मेरे छोटे हैमस्टर पीट से मिलो, वो मेरे साथ रहेगा। और यह बीन बैग मेरे लिए है। अब सब कुछ तैयार है, कूल। अब आराम कर सकते हैं और मेरे छोटे दोस्त के साथ मजा कर सकते हैं। वो मेरे गेम्स के लिए लकी होता है। मुझे मेरे सपनों का घर मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। यह अद्भुत है। ओह, मैं भी अपने कमरे को महल की तरह सजाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं अपना मैनिक्योर कर लेती हूँ। ओह, ये गुलाबी नाखून किसी को भी दीवाना बना दे। और ये दीवारें इतनी सफेद क्यों हैं? ऐसे नहीं चलेगा। इसे तुरंत गुलाबी रंग से पेंट करना होगा। चलो। वाह, कितना प्यारा है। पूरे कमरे में दिल ड्रॉ कर दिया। बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। वाह, मेरा गुलाबी कमरा, लेकिन फर्श खाली है। अच्छा नहीं लग रहा है। गुलाबी कालीन अब चलन में है। और यहाँ कुछ दिल और एक सुंदर लाइट यहाँ अच्छी लगेगी। बढ़िया, मैं सभी के लिए प्यारे किसेस भेज रही हूँ। और मेरे पास यहाँ क्या है? यह सुपर लंबे हाथ पैर वाला गुलाबी जिराफ। मेरी ओरिजिनल पेंटिंग यहाँ पर। बहुत अच्छा। और यह टेबल यहाँ पर अच्छा है। मेरे पास अपना सामान रखने के लिए कोई जगह नहीं है। और यहाँ एक आईने के साथ एक अच्छी टेबल होगी ताकि मैं हर दिन सुंदर दिख सकूं। ओह, मेकअप को अपडेट करना जरूरी है। मैं चमक रही हूँ, मेरे बाल सबसे नरम है और एक अच्छा परफ्यूम सफलता की कुंजी है। अब मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। ओह, मेरा कमरा तैयार है, यह सबसे सुंदर है। ओह, मैं तुम्हें इस घर की एक और सुंदर चीज से मिलवाना लगभग भूल गई। यह मेरी बिल्ली मार्टा है। ये सफेद दीवारें मुझे दुखी करती हैं। मुझे इसे तुरंत ठीक करना होगा। और मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। पहले हम दीवारों को चमकदार और अधिक पॉजिटिव बनाने के लिए पीले रंग से रंग देते हैं। मैं पेंट डालती हूँ और इसे रोलर से मिलाती हूँ। मुझे दीवारों पर पेंट करना बहुत पसंद है। अब मैं सूरज ड्रॉ करूंगी। देखो, यह कितना आसान था। और इसकी किरणें इस तरह से। वाओ, चलो तुम पर भी पेंट लगा देती हूँ। और दीवार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फर्श खाली है। यहाँ पर बालू की जरूरत है। मुझे सी बीच की बालू बहुत पसंद है। ये बहुत नरम और गर्म है। हाँ, थोड़ा और डाल देती हूँ। बहुत बढ़िया। और दीवारों पर कुछ पोस्टर्स की भी जरूरत है। मेरे पास एक नाजुक फूल और एक कूल बत्तख है, यहाँ और यहाँ। वाओ, और इस मेरे रैक को देखो। और मैं लगभग अपने फेवरेट दोस्त के बारे में भूल गई, एक डक सॉफ्ट टॉय। यह सब कितना अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें यहाँ रखूंगी। और मुझे एक टेबल की भी जरूरत है। मुझे एक छोटी कुर्सी भी चाहिए। यह पीला इन्फ्लेटेबल सर्कल एकदम सही है। यह इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा गिटार बजाने का मन हो रहा है। हाँ, आपको यह कैसा लग रहा है?
मैं बाद में एक म्यूजिक कंसर्ट करूंगी, लेकिन अभी के लिए यहाँ छत पर फूल सही होंगे। और मेरे प्यारे पालतू जानवर की एक तस्वीर, ये बहुत प्यारा है, मैं उससे प्यार करती हूँ। वैसे रिची खुद कहाँ है? रिची मेरे पास आओ। हेलो मेरे दोस्त, चलो खेलते हैं। तुम्हें खेलना पसंद है ना? आओ साथ में गाते हैं। तो हम कहाँ से शुरू करें? चलो ब्लेंडर में आइसक्रीम की एक बॉल डालें और अपने फेवरेट किटकैट चॉकलेट डालें। स्वादिष्ट। आज मेरा मूड जापानी है। चलो कुछ सोया सॉस जोड़े, या बहुत ज्यादा। बढ़िया, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, है ना? अच्छा, और अब इसे कोन में भरे और ऊपर से छोटे कुकीज से सजाए। सुंदर, कितना प्यारा आइसक्रीम, और ये स्वादिष्ट लग रहा है। हम इसे स्टैंड पर रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरे कोन के लिए मुझे एक आइसक्रीम बॉल की जरूरत होगी। ब्लेंडर में डाला और ये लाल तीखी मिर्च। चलो थोड़ा मीठा जोड़े, शहद। ढक्कन बंद करना नहीं भूलना है और ब्लेंडर चालू करें। तैयार। तीखी महक है, चलो इसे मशीन में डालें और अब इसे कोन में भरे। चलो इसे थोड़ा डरावना बनाए। गमी आंखें, वे पीले आइसक्रीम के साथ अच्छी तरह से जाते हैं। मैंने इस खौफनाक तीखे मीठे कोन को स्टैंड पर रखा। चलो अब तुम लोग इसे चक्कर बताओ। वाओ, इतनी सुंदर आइसक्रीम है। मेरे फेवरेट गमी आइस। ओ, 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 ये अटक गया। ओ माफ करना, तुमने बढ़िया कैच किया। चलो आइसक्रीम को खाएं। अरे बाप रे, ये तो जल रहा है। मैं नहीं खा सकती, बहुत तीखी है। लग रहा है कि मैं उड़ रही हूँ। मैंने अभी अभी हमारे घर को काफी ऊंचाई से देखा। मैंने काफी खा लिया। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। मुझे अपने कोन को ट्राई करना अच्छा लगेगा। ये अजीब लग रहा है, लेकिन चलो ट्राई करती हूँ। यह थोड़ा अजीब है, लेकिन खाया जा सकता है। तो मेरे पास आइसक्रीम का एक और हिस्सा है। अब चलो एक बॉल वेनिला आइसक्रीम और नगेट्स डाले। यहाँ केवल एक चीज गायब है, ओरियो। मुझे उम्मीद है कि लड़कियों को यह पसंद आएगा। Awesome. मुझे ओरियो से प्यार है। इसे मिलाएं। चलो अच्छे से मिक्स करना है। ओह, कितने जोर से। ओके। चलो इसे मशीन में भरे और फिर कोन में डालें और नमकीन फ्रेंच फ्राइज के साथ इसे सजाएं। Nice. यह तैयार है। इसे स्टैंड पर रख देती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। और अब मैं चॉकलेट आइसक्रीम की एक बॉल लेती हूँ। अब कुछ रोल्स, जिसे मैंने आज सुबह ही बनाया था। हाँ, या। और थोड़ा स्ट्रॉबेरी। स्वादिष्ट। अब चलो सब कुछ मिलाते हैं। आह, कितना अच्छा दिख रहा है। और चलो अब इसे मशीन में डाल देती हूँ और अब कोन में भरना है और चॉकलेट चिप्स के साथ स्प्रिंकल करती हूँ। वाह, कितना सुंदर दिख रहा है। लड़कियों, आइसक्रीम अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे आशा है कि स्वाद अच्छा होगा। चलो चखकर बताओ। स्वादिष्ट, ये बहुत चॉकलेटी है। मुझे समझ नहीं आया कि इसमें क्या गलत है। मैरी, अपने हाथ हटाओ। ठीक है, मेरा तुमसे 100 गुना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। और यह क्या है? फ्रेंच फ्राइज। स्वादिष्ट। आइसक्रीम अजीब है, लेकिन हम इसे खा सकते हैं। क्या कुछ और होगा? ला 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 ला, मेरा मूड आज अच्छा है, इसलिए मैं एक वेनिला बॉल और अपने अचार से आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। इसे मैंने खुद बनाया है। अरे खुल जाओ, खुलो। आशा है इतना काफी होगा। मैंने खुद भी इसे नहीं चखा है। चलो चखकर देखती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन बहुत अधिक नमक है। खैर ठीक है, ये काम करेगा। मिक्स करेंगे और इसे मशीन में डाल देती हूँ।
और अब इसे कोन में भरे और बदबूदार लहसुन के साथ इसे सजाए। ओह, ये आइसक्रीम किसी भी पिशाच और संक्रमण को डरा देगा। तैयार, अब इसे स्टैंड पर रख देती हूँ और चलो चक्कर बताओ। और फिर मुझे वनीला आइसक्रीम के एक स्कूप की जरूरत होगी। बिल्कुल सही निशाने पर। स्कूल की बास्केटबॉल टीम में मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया है और मैं इसमें मीठे डोनट्स मिलाना चाहती हूँ। कितना सुंदर। मैं इसमें एक डाल देती हूँ, मिक्स करती हूँ और अब इसे मशीन में डालती हूँ। और फिर इसे कोन में भरती हूँ और ऊपर से रंगीन स्प्रिंकल्स। चलो इसे ट्राई करो मेरे प्यारे बच्चों। क्या मैं कर सकती हूँ प्लीज? अरे मैं पहले। चलो अभी इसे ट्राई करती हूँ। ये अच्छा लग रहा है और स्वाद, वाओ, बहुत स्वादिष्ट है। क्या? क्या मेरे होठों पर स्प्रिंकल्स है? यह भी बहुत स्वादिष्ट है। मैं अब मैरी के संतुष्ट चेहरे को नहीं देख सकती। क्या क्या वो लहसुन है? यह भयानक है और मैं इसे कैसे खाऊं? मैं नहीं कर सकती, यह घिनौना है। उफ, मैरी अपने कोन के साथ कितनी लकी थी। मैरी, क्या तुम मेरी सांस को सूंघना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है, लहसुन काफी नहीं है? ओह, कैसा लग रहा है? मैं अगले आइसक्रीम के लिए तैयार हूँ। मुझे आइसक्रीम की एक बॉल और बदबूदार चीज चाहिए। इसे मिलाती हूँ। कैसा है ये? इसे कचरे के डब्बे की तरह बदबू आ रही है। इसे मशीन में डालती हूँ, अब कोन में भरती हूँ और स्वादिष्ट कीड़े के साथ इसे डेकोरेट करूंगी। ऐसा लगता है कि उन्हें भी आइसक्रीम पसंद है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली बारी है स्कीटल्स आइसक्रीम की। तैयार? और आगे क्या है? बिल्कुल सही, खट्टा जैम। चलो पहले से थोड़ा चख लेती हूँ। ओहो, कितना खट्टा है। मुझे लगता है ये पूरी तरह से आइसक्रीम की मिठास के साथ जाएगा। मिक्स करें, कोन भरें और स्प्रिंकल्स। जाहिर है स्कीटल्स, ये कभी भी ज्यादा नहीं होता है। हमने इसे रखा और ये तैयार है। लड़कियों, तुमने पक्का ऐसी आइसक्रीम कभी नहीं खाई होगी। मैरी, जल्दी ट्राई करो, मुझे रिएक्शन देखना है। कितना मीठा और स्वादिष्ट। मेरी जीभ को देखो, मैं इसे पूरा खा लूंगी। अब मैं, यह क्या है? क्या यह जमीन पर गिरा था? इसमें कीड़े क्यों हैं? मैं नहीं खा सकती, वे जिंदा है। यह कितना घिनौना है। मैं उन्हें अपने मुंह में हिलते हुए महसूस कर रही हूँ। बस मैं अब और नहीं कर सकती। ठीक है, मैं आखिरी खा रही हूँ। छी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब ये मेरे पेट में रहेंगे। नहीं। और मैं गाना और डांस करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपनी लड़कियों के लिए आइसक्रीम बनाना होगा। एक ब्लेंडर में आइसक्रीम की एक बॉल और मस्टर्ड शानदार होंगे। चलो इसे अच्छे से डालती हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसे मिक्स करती हूँ। तैयार? हाँ, हो गया। स्फूर्तिदायक। इसे मशीन में डालती हूँ। रुको, स्प्रिंकल्स कहाँ है? ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, यह सही है। हम अपने कुत्ते लियो से उसका खाना ले सकते हैं। कोन में आइसक्रीम भरते हैं और फिर डेकोरेट करते हैं वो डॉग फूड से। शानदार कोन, एक स्टैंड पर डाल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं चॉकलेट आइसक्रीम बनाना चाहती हूँ। कितना स्वादिष्ट। इसमें और भी कुछ मिलाया जा सकता है। यहाँ ज्यादा चॉकलेट नहीं लग रही है। थोड़ा चॉकलेट सिरप कुछ बुरा नहीं होगा। सुंदर, यह तैयार है। हाँ। मैं इसे खुद खा लेती, लेकिन मुझे तैयार करना होगा। मशीन में डालती हूँ, कोन भरती हूँ और M&M की कैंडीज के साथ सजाती हूँ। वाओ, तैयार। चलो रॉक पेपर सीजर्स करते हैं। बढ़िया, मैं जीती। मैं इस कोन को चुनती हूँ। यह अजीब लग रहा है। क्या यह डॉग फूड है? जेन, क्या तुम्हें यह चाहिए? कितना घिनौना। मैरी, क्या तुम भौंक सकती हो? डॉगी। ओ, मैरी ठीक नहीं लग रही है। उप्स जेन,
खैर चलो अपनी आइसक्रीम ट्राई करो। Let's go! मैं इसे बहुत खुशी के साथ खाऊंगी क्योंकि ये जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। देखा तुमने कितना स्वादिष्ट है आज का सबसे अच्छा कोर्स। मैरी मुझे इस तरह मत देखो। और मेरे पास आइसक्रीम का एक और हिस्सा है, मैं उसे खास बनाना चाहती हूँ। चलो कुछ बदबूदार मछली और ब्रोकली इसमें जोड़े। अब इसे मिक्स करें और ये तैयार है। मशीन में डालें और फिर कोन में, फिर ऊपर से मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। और यह कोन आइसक्रीम और सीवीड के साथ होगा। सब कुछ एकदम साधारण और आसान होगा। इसे मिलाएं, लगता है ये तैयार हो गया है। इसे मशीन में डालती हूँ, फिर कोन भरती हूँ और चॉकलेट के साथ डेकोरेट करती हूँ। यह स्वादिष्ट लग रहा है। पिघलने से पहले इसे ट्राई करो। लड़कियों आइसक्रीम प्यारा लग रहा है, कौन शुरू करेगा? मैरी चलो। मुझे आशा है कि यह स्वादिष्ट होगा। बहुत बदबू आ रही है। चलो सभी फालतू चीजों को हटा देती हूँ और आइसक्रीम को ट्राई करती हूँ। इसका स्वाद इसके गंध के समान ही है। तुम किस पर हंस रही हो जेन? ओह ठीक है, गम। अब इस भयानक स्वाद को हटाती हूँ। वाह देखो मैं कैसा बबल बना सकती हूँ। ओह फट गया, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। मैरी तुम बहुत फनी हो। जेन पता नहीं तुम्हारे पास किस तरह का कोन है। चलो इसे अभी ट्राई करें। लेकिन ये बहुत डरावना है। वाह यह तो अच्छा लग रहा है, मेरी फेवरेट चॉकलेट। यह स्वादिष्ट था। और यह क्या है? ए, मेरे कोन में क्या था? अंतिम आइसक्रीम, स्वादिष्ट क्रीमी आइसक्रीम की एक बॉल ब्लेंडर में डाले और फिर एक प्याज। मुझे प्याज के साथ आइसक्रीम चाहिए। और मीठे के लिए न्यूटेला का एक जार, यह जाएगा अंदर। और लगता है यह तैयार हो गया है। और इसकी गंध कुछ अच्छी नहीं है। इसे मशीन में डाले और अब कोन में भरती हूँ और गमी बेयर से डेकोरेट करती हूँ। तैयार, एकदम सही कोन। चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर मैं इसे सोर्बे के साथ बनाना चाहती हूँ। इसे ब्लेंडर में डाल देती हूँ। और मुझे इसमें क्या जोड़ना चाहिए? या उसमें कोक डाला जा सकता है। ये जरूर स्वादिष्ट होगा। तो अब मैं इसमें केचप डालूंगी। मैं ईमानदार हूँ, बस थोड़ा सा। मिक्सर चालू करें, इसे मिलाएं। तैयार, मशीन में डाला, कोन भरा और ऊपर से मार्शमेलो। चलो कुछ चिकन फिंगर्स को जोड़ते हैं। क्या मिठास है, चलो इसे ट्राई करें। लड़कियों इसे ट्राई करो, मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। मैरी रुको, जेन पहले जाएगी। वाओ कितना सुंदर, ये गमी बेयर है। और इसकी महक कैसी है? क्या यह आइसक्रीम प्याज के साथ है? भयानक। चलो अच्छे से शुरू करते हैं गमी से। वह मिसा की तरह स्वादिष्ट है। ओह इतने सारे प्याज, मुझे रोना आ रहा है। मुझे प्याज से नफरत है। इसे आइसक्रीम में कौन डालता है? उफ यह फिर से। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। छी कितना खराब। आशा है कि मेरी आइसक्रीम स्वादिष्ट होगी। यह क्या है, किसी की उंगलियाँ? छी क्या, यह भी बेस्वाद है। मुझे चक्कर पता करना होगा। भयानक। शायद आइसक्रीम कुछ ठीक हो। भयानक, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद जेन। लेगा समय शुरू हो गया है। अरे मैरी तुम्हारी नाक के नीचे कुछ है। ओह नहीं बेन, ऐसा मजाक अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है बहुत फनी है। तो मैं एक पंख की मदद से फोन बनाने की कोशिश करूंगा। मैं इसे बहुत खूबसूरत बनाऊंगा। ओह ये तो टूट गया। कुछ और खोजना होगा। क्या चिकन? नहीं बदबूदार मोजा। ओह ये बहुत गंदा है। ओह यह क्या है? ओह मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह सॉरी जेन, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। आओ खोज जारी रखें। यह नहीं, कैंडी भी नहीं। ओह और मुझे इसकी जरूरत होगी, सिक्का। बिल्कुल सही, इसकी मदद से मैं फोन को स्क्रैच करना जारी रखूंगा। थोड़ा यहाँ और कुछ बारीक काम। एक सिक्का हमेशा मदद करता है। और मेरा हो गया। मैरी तुम्हारा कैसा चल रहा है?
मेरा हाँ, मैं अभी ड्राइंग करना शुरू करूंगी, पर मैं भूल गई हमें क्या ड्रॉ करना है। ठीक है, फोन। मुझे कोशिश करनी होगी। जरूरी बात यह लिखना है कि किस तरह का फोन है, ताकि ये सभी को समझ में आ जाए। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ हूँ, क्या तुम मेरे बारे में भूल गए हो? क्या तुमने ड्रॉ कर लिया? और कितना समय हुआ है? अरे नहीं, मेरे पास कुछ करने का समय नहीं था। समय खत्म हो गया है, अपना काम दिखा। मैंने कुछ नहीं किया है। कोई बात नहीं, रिलैक्स करो। एक आइडिया है, मैं बेन के साथ ड्राइंग बदल दूंगी। मैरी, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास यह है। बहुत बढ़िया। बेन, तुम्हारे पास? यह मेरा, यह भयानक है। क्या तुमने मेरी ड्राइंग चुरा ली? ऐसे कैसे? हाँ बेन, तो क्या हुआ? मुझे फोन चाहिए था। हाँ, अब मुझे कुछ सेल्फी लेना है। क्या? यह तो एक भयानक सपने की तरह है। कैमरा भी है या नहीं इसमें? नया पुरस्कार बारबी है ना, ये अच्छा। तुम लोग क्या कर रहे हो? जागो। अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे सभी को दिलचस्पी होगी। यह सिर्फ एक बारबी नहीं बल्कि एक केक है। मैं देख रहा हूँ आप खुश है, तो अब तुम शुरू कर सकते हो। पर कैंडी मशीन से कैसे ड्रॉ करूँ? शायद हमें कैंडी खाने की जरूरत है और फिर प्रेरणा दिखाई देगी। यह गम है, मैं इसे क्ले की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। वाह, ना अच्छा निकला, यह अच्छा बन रहा है। ठीक है, तुम्हारा बहुत सुंदर बना है। मैं भी अब एक ड्राइंग बनाऊंगा जो तुमसे खराब नहीं होगा। तो यह होगा सिर, और इसके लिए मुझे और गम चाहिए। लाल वाले एक बढ़िया ड्रेस बनाएंगे। मैरी, तुम्हें यह कैसा लग रहा है? मैंने कोशिश की है। ओह बेन, ये एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है, बार्बी नहीं। ओह वाह, मैं डिवाइस खोलने में कामयाब रही। बार्बी को जल्द से जल्द ड्रॉ करने के लिए मुझे जितना ज्यादा हो सके गम चबाना होगा। तो गम की यह मात्रा पूरे ड्राइंग के लिए काफी होनी चाहिए। इस टुकड़े को रोल करते हैं और इसे यहाँ डालते हैं, और फिर यहाँ और इधर ऐसे। हाँ, इस तरह से। ओह, मेरा चश्मा कहाँ है? ओह, कहाँ गया? यह घिनौना क्या है? मेरे चश्मे को क्या हुआ? ओह, मेरा चश्मा गम में सना हुआ है। जेन, अपने चेहरे से गम हटाओ। समय समाप्त हो गया है, तुमने क्या किया है मुझे दिखाओ। जेन, जेन, टीचर इधर है। फिर से कुछ स्क्रिबल्स, यह एकदम बेकार है। आगे क्या है? वाओ मैरी, तुम्हारी ड्राइंग अद्भुत है। और बेन क्या दिखाएगा? हाँ, बेन को केक नहीं चाहिए, तो प्राइज जाता है मैरी के पास। तुम इसके लायक हो। अरे, बार्बी बनाने में मेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता। मुझे तुरंत केक का एक टुकड़ा खाना है। कितना स्वादिष्ट है। और यह एक और पीस। दोस्तों, ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे तुरंत एक और टुकड़ा चाहिए। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं इसे अपने हाथों से खाने के लिए तैयार हूँ। वाओ, बहुत स्वादिष्ट, मैं इसे पूरा खा लूंगी। क्या एक टुकड़ा हमें भी मिल सकता है? ठीक है लो, लेकिन मेरे लिए भी एक टुकड़ा छोड़ देना, ये बहुत अच्छा है। तो एक नया पुरस्कार, कॉस्मेटिक का एक सेट। लड़कियों, तुम खुश हो जाओगी। ठीक है, मैं बस ऐसे ही कर लूंगा। समय शुरू होता है अब। तो क्या हमें क्रेयन से ड्राइंग करना होगा? हाँ, यह आसान है। तो हमें आउटलाइन बनाने की जरूरत है, फिर यहाँ कुछ बारीक काम, और यहाँ एक दिल। इस पर पेंट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा निकला। मुझे भी ड्राइंग पसंद आने लगा है। लड़कियों, बताओ मेरा ड्राइंग कैसा है? सुंदर है ना? मुझसे अच्छा कोई ड्राइंग नहीं कर सकता। क्या ड्राइंग क्या होता है वो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और मेरे पास एक शानदार आइडिया है। रंग भरने में समय क्यों बर्बाद करें? हम क्रेयॉन को कद्दूकस कर लेते हैं और इसे कागज की दूसरी शीट से ढक देंगे। हाँ, और इसके बाद गर्म आयरन से सब कुछ अच्छी तरह से इस्त्री करेंगे ताकि क्रेयॉन पिघल जाए। बस इस तरह से। देखो, ये कितना आसान है। अब मैं कुछ अलग करूंगी। हाँ, तो मेरे पास उबलते पानी और क्रेयॉन है। मैं बस क्रेयॉन को तोड़ दूंगी और उन्हें गर्म पानी में डाल दूंगी, फिर वे वहाँ पिघल जाएंगे और
पेंट में बदल जाएंगे। मैं मैरी की तुलना में तेजी से रंग सकती हूँ। मुझे वास्तव में ये बहुत पसंद है। कितना चमकदार रंग है, बहुत बढ़िया। और यह गंध कैसी है? मैरी, क्या तुम ठीक हो? ओ नहीं, सब जल गया। मैं कॉस्मेटिक्स के बारे में सपना देख रही थी और सब भूल गई। अब मैं क्या करूं? मेरे ड्राइंग से दूर रहो। मैरी, सावधान। ओ नहीं, मेरी ड्राइंग पर यह फैल गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। घड़ी की सुइयां तेजी से चल रही हैं और समय समाप्त। अपना काम दिखाओ, पहले कौन दिखाएगा? तुमने क्या किया है मैरी? ओ, यह तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और जेन ने क्या किया है? फिर डूडल। यह भी अजीब लग रहा है, शायद बेन ने कुछ ठीक किया हो। वाओ, एक मास्टरपीस। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कॉस्मेटिक्स का यह सेट तुम्हारे पास जाता है, सुंदर। ये लो। और मैं इसका क्या करूँगा? पता नहीं। ओ, क्या तुम्हें मेकअप करना है? जेन, क्या तुम्हें भी मेकअप की जरूरत है? लड़कियों, मुझे चक्कर आ जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे एक साथ तुम दोनों का मेकअप करने दो। तैयार? इस तरह से, और थोड़ा इधर और इधर भी, और सब तैयार हो गया। कैसा लगा? मैंने काफी मेहनत की है। सही रिएक्शन। बेन, तुमने क्या किया है? कितना डरावना है। अब तुम मुसीबत में पड़ने वाले हो। उफ। तो मेरी बिल्ली, मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में लेकर आया हूँ। तुम्हारे चेहरे से स्पष्ट है कि तुम्हें पुरस्कार पसंद आया है, तो चलो ड्राइंग शुरू करते हैं। मैरी, तुम बहुत खूबसूरत। हाँ, लिक्विड कैंडी के साथ एक बिल्ली ड्रॉ करना है। हाँ, यह आसान है। एक लंबा शरीर, और मैं पंजे के बारे में नहीं भूलूंगा। और हाँ, बढ़िया, मैंने सब कर लिया है। तुम किस लिए हंस रही हो? हाँ, शायद जब हम बिल्ली का ड्रॉ करना सीख रहे थे, तुमने उस दिन क्लास मिस किया था। अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाऊंगी। चलो कोशिश करते हैं। कितना खट्टा है, मैं फिर से ट्राई करना चाहती हूँ। स्वादिष्ट। सभी चुप क्यों है? ये कैंडी बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, क्योंकि उससे ड्रॉ करना है, खाना नहीं है। अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाऊंगी, नहीं तो मेरी के पास ड्राइंग बनाने के लिए कुछ नहीं होगा। और यहाँ मेरी बिल्ली है, और ये बहुत सुंदर बनी है। हाँ दोस्तों, समय समाप्त हो गया है, मुझे आपके काम का इंतजार है। मैरी, क्या तुमने सच में सब खा लिया और कुछ भी ड्रॉ नहीं किया? चलो चलो, अपना काम दिखाओ। बेन ने क्या बनाया है? यार, कुछ खास नहीं है। मुझे लग रहा है मैरी के पास कुछ भी नहीं है। और जेन क्या मुझे खुश कर पाएगी? चलो दिखा। वाओ, कितना ओरिजिनल। अच्छी बिल्ली, फिर तुम एक पुरस्कार के लायक हो। ये लो। हुर्रे, मैं जीत गई। मैं तुम्हें फ्लफी कहूंगी, क्योंकि तुम नरम और प्यारी हो, बहुत सुंदर हो। जेन, मुझे लगता है तुम्हारी बिल्ली मुझसे दोस्ती करना चाहती है। आ जाओ, इधर आओ।